Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do the most important topic of the non-communicable disease and mostly questions jo hain wo isi se aate hain, theek hai? Achha, sabse pehle humare paas jo Pakistan hai, isme humare paas takriban 200 species hain snakes ki, different snakes hain, 200 species hain, theek hai? Aur ab snakes jo hain na, wo humare paas do types mein divide hui hain. एक तो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होती हैं, ठीक है, अगर वो काट भी लें तो इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है, और एक जो है वो पॉइजनस स्नेक होती हैं, ठीक है. अब पॉइजनस स्नेक जो है ना वो हमारे पास है पांच टाइप्स, लाइक पांच सब टाइप्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है. तो इसके लिए लाइक कोई प्रॉपर निमोनिक मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन जस्ट रिमेंबर हैकवैक, ठीक है, HACVEC, ठीक है, हैकवैक. तो एच से हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोफिडाई, ए से हमारे पास आएगा एट्रैक्टस फिडाए, सी से हमारे पास आएगा कोलब्रिडाए, ठीक है, फिर वी से हमारे पास आएगा वाइप्रिडाए, और ई से हमारे पास आएगा एलीपिडाए, ठीक है. ये हमारे पास पांच टाइप्स हो गई हैं, ठीक है. फिर इसके बाद जो हाइड्रोफिडाए है ना, ये हमारे पास हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये सी स्नेक्स होते हैं और ये मायोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है. फिर इसके बाद वाइपरिडाई जो है ना, ये वाइपर्स होते हैं, वास्कुलर टॉक्सिक होते हैं. एलिफिडाई जो है ये, इस पर कोबरा एंड ट्रेट आ जाता है और ये बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू स्नेक बाइट इन पाकिस्तान, ठीक है. अब पाकिस्तान में स्नेक बाइट इतनी कॉमन क्यों है, देखो सबसे पहले पाकिस्तान में हमारे पास जो वेदर है, ये जून जुलाई अगस्त का जो वेदर होता है ना, मानसून का जो वेदर होता है, इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर स्नैक्स, ठीक है. स्नैक्स इसमें बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसकी वजह से नंबर ऑफ स्नैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो पहली बात वेदर हो गई, दूसरी बात यह कि स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. थर्ड बात यह है कि लेक ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जब गर्मियाँ आती हैं ना, ये जून जुलाई का जो महीना होता है, तो ऑब्वियसली जो गाँव में लोग रहते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली वो बाहर निकल आते हैं, मतलब वो छतों पे सोते हैं, ठीक है, और घर से बाहर सोते हैं इस तरह ना, ठीक है. तो ऑब्वियसली जब वो घर से बाहर सोएंगे, ठीक है, तो स्नेक्स तो बाहर निकले होंगे, तो रात को आराम से उसको काट सकते हैं. और तीसरी चौथी बात ये है कि एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड में यही है कि झाड़ियों में छुपे होते हैं और एकदम निकलते हैं और काट लेते हैं, ठीक है. अब आते हैं इसकी कंस्टिट्यूएंट्स पे, वेनम के कंस्टिट्यूएंट्स ना, तो इसके लिए निमोनिक है एफनैक, जो हमारे पास फाइन नीडल एस्पायरेशन एसाइटोलॉजी होती है, तो उससे बस याद रख लेना ना, एफ नैक पीपीसी और हैदराबाद, ठीक है. तो एफ नैक पीपीसी और हैदराबाद में एच है और टी है, ये याद रखना जो मैंने कैपिटल लिखे हुए, ठीक है. एफ से हमारे पास आएगा फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है. एन से हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन, ए से एग्लूटोनिन, सी से हमारे पास कार्डियोटॉक्सिन, पी से हमारे पास फॉस्फोटेज, एंड फिर पी से हमारे पास फॉस्फोलाइपेज आ जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है. और फिर हमारे पास जो है एक रह गया मुझसे, इसमें पी से ही आएगा, ठीक है, प्रोटीनेज, ठीक है. फिर सी से हमारे पास आएगा कोलिनेस्ट्रेज, एच से हमारे पास आएगा हीमोलाइसिन, और टी से हमारे पास आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है. दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेनम, ठीक है. अब साइनम सिम्टम्स की बात करो ना, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसकी, कोबरा की, ठीक है. कोबरा कौन सी क्लास में आता है, कोबरा आता है एलिफिडाई में, ठीक है. अब जो एलिफिडाई होते हैं ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये हमारे पास होते हैं न्यूरोटॉक्सिक. अब ये न्यूरोटॉक्सिक है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो मसल्स की पैरालिसिस कॉज करेंगे, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की पैरालिसिस करेंगे, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस करेंगे, अल्टीमेटली बंदे की डेथ हो जाएगी. इसके अलावा टोसिस वगैरह भी कॉज करते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अलावा वाइपर है, वाइपर वास्कुलर टॉक्सिक होता है, तो एक तो लोकली पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ब्लड जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो उनकी वजह से वो फटना शुरू हो जाती है ना, हिमोरेज होती है. इसके अलावा हिमोप्टेसिस होती है, मतलब नाक से खून आता है, एपिटेक्सिस हो गया, मुंह से खून आता है, हिमोप्टेसिस हो गया, हीमाटेमेसिस हो गया, मेलेना हो गया, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेनी, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो है जो सी स्नेक होता है ना, तो वो मायोटॉक्सिक होता है, तो वो आपकी मसल स्टिफनेस कॉज करता है और पेनलेस होता है, ठीक है. नाउ वी कम टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्नेक बाइट, ठीक है. सबसे पहले मैनेजमेंट में चार हेडिंग्स याद रखनी है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ये पेपर में बहुत आता है, तो अच्छे से करना है, ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री पे. हिस्ट्री में आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आपने उससे पूछना है कि क्या हुआ है, तो कहते हैं मुझे स्नेक ने काटा है, तो आप पूछोगे कब काटा है, तो कहेगा मुझे
घंटे पहले काटा है, ठीक है। फिर आप पूछोगे कहाँ काटा है, कहेगा मुझे हाथ पे काटा है, ठीक है। फिर उसके आपसे पूछोगे कि इसके अलावा कहीं और पे काटा है कि नहीं काटा, ये भी हो गया, ठीक है। तो आपने क्या हुआ है कि सबसे पहले आपने पूछा है कि किस चीज़ ने काटा है, तो स्नेक ने काटा है, तो स्नेक ने काटा है, स्नेक की डिस्क्रिप्शन पूछ लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद साइट का पूछ लोगे, टाइम का पूछ लोगे, और इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स देख लोगे, ठीक है। पर एग्जामिनेशंस पे आते हैं, एग्जामिनेशंस में ना सबसे पहले आपने जो है ना ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स देख लेने हैं, और जो बाइट है ना उसको आपने प्रॉपर एग्जामिन कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने न्यूरो टॉक्सिसिटी देख लेनी है कि नर्व पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, मसल्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो ये एग्जामिनेशंस में हो गया, ठीक है। फिर आते हैं डायग्नोसिस ना, कि जिसकी बेस पे हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस में बेसिकली सबसे पहले आपने देखना है जो फैंग्स होंगे ना जहाँ पे काटा होगा ना, कि वो आप देखोगे कि किस किस्म के फैंग्स है ना, कि दो हैं, तीन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये सारा आपने देख लेना है, ठीक है। फैंग्स देख लेने हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे काटा हुआ ना उस जगह को आपने थोड़ा सा वॉश करना है, ठीक है। उसका जो फ्लूइड आ जाएगा उसको आपने लैब में देख लेना है, ठीक है। तो अगर अगर उसमें हाइपरकलीमिया हुआ तो सी स्नेक है, ठीक है। अगर हमारे पास उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ तो वाइपर है, और अगर उसमें कोलिनेस्टेज हुआ तो ये कोबरा है, ठीक है, कोबरा क्रेट विच इज़ अ एलिफिडाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पे सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपने पेशेंट का जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसको रिलीफ करवाना होता है, ठीक है। आपने पेशेंट से क्या कहना है, पेशेंट से आपने कहना है कि घबराओ नहीं, लाइक मेन आपने बात यही करनी है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हर स्नेक जो है वो पॉइजनस नहीं होता, तो जिस स्नेक ने आपको काटा है ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइजनस होगा, ठीक है। दूसरी बात आपने ये करनी है कि हो सकता है कि स्नेक का पूरा जो वेनम है, जहर है, वो आपके अंदर नहीं गया हो, ठीक है, सही है। और तीसरी बात आपने ये कहनी है कि हो सकता है कि वो जो स्नेक का वेनम गया है वो चार्ज वेनम ना हो, तो घबराओ नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है ताकि प्रिवेंट हो सके पेशेंट ना। तो सबसे पहले आपने उस जगह को इमोबिलाइज कर देना है। इमोबिलाइज करने के बाद अगर वो लिम्स पे है ना, हाथ पे या पाँव पे है, तो आपने उस पर टार्निकट बांध देना है, 30 मिनट के लिए बांधना है, फिर 1 मिनट के लिए खुला छोड़ना है, फिर बांधना है, फिर खुला छोड़ना है, ताकि ऑब्वियसली गैंग्रीन भी ना बने और स्प्रेड ऑफ वेनम भी ना हो, तब तक आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना, वेनम को और एंटी वेनम्स वगैरह दे दोगे, ठीक है। फिर सेकेंड बात आपने ये करनी है कि अगर अगर फेस पे है या नेक पे या ट्रंक पे है ना, तो ऑब्वियसली आप टार्निकेट नहीं बांध सकते ना, तो इन दैट केस आप क्या करते हो कि आप उसी जगह को आप प्रेस करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कट एंड सक्शन टेक्निक यूज़ करनी है, उस जगह को थोड़ा सा काटना है। उसके बाद अगर जो भी बंदा है वहाँ पे, उसने ये करना होता है कि उस अगर फॉर एग्जांपल उसके मुंह पे कोई छाला वगैरह नहीं है, कोई अल्सर्स नहीं है, कोई जख्म नहीं है, तो वो सक कर ले, ठीक है। और अगर सक नहीं है और डॉक्टर पे हस्पताल में, तो जो ब्रेस्ट सक्शन होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वो होता है उस जगह को प्रॉपरली वॉश कर लेना है, ठीक है, ताकि जो बाहर का वेनम है ना वो स्प्रेड ना करे अंदर की तरफ ना। दूसरी ये बात हो गई। फिर आपने क्या करना होता है, लास्ट में आपने स्पेसिफिक एंटी वेनम यूज़ करना होता है। तो स्पेसिफिक एंटी वेनम जो है वो पोलीवेलेंट है, ठीक है, पोलीवेलेंट एंटी वेनम है, ठीक है। तो ये है ना, सबसे पहले आपने जो है ना सबसे पहले थोड़ी सी डोज लेनी है, ठीक है, 0.1 ml, ठीक है, वो आपने जस्ट फॉर टेस्टिंग आपने लगा लेनी है, ताकि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, वो ये जो वेट अ सेकेंड, अच्छा, फिर इसके बाद और ये जो थोड़ी सी जो आपने लगाई है ना, इंट्राडर्मनी लगाते हो ताकि पता लग जाएगा साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 20 to 50 ml जो है एंटी वेनम लेना है, उसको आपने नॉर्मल से लाइन में मिक्स कर लेना है। कितना नॉर्मल से लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये अगर 50 है ना एंटी वेनम, तो 5 टाइम नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है। अगर 50 है तो 250 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। फिर उसका 1/3 जो है वो आपने सबक्यूटेनियस लगाना है, 1/3 जो है आपने इंट्रामस्कुलर लगाना है, और 1/3 जो है उसका आपने मतलब पहला हिस्सा आपने सबक्यूटेनियस, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आपने मस्कुलर, और तीसरा हिस्सा आपने इंट्रावीनस डालना है, ठीक है। दैट्स इट, और दैट्स इट, वी आर डन विद द स्नेक बाइट मैनेजमेंट। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर।